स्टूडेंट साथ बीजी क्लास, आज के इस लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज रिगार्डिंग बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस आउट ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस which one basic operation become binary operation for the system of linear system of real numbers। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन सा बेसिक ऑपरेशन सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन बन गया, वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे और इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें से कौन कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनता है। वी हैव हियर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी, वी हैव बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वी कैन से इट इज These are the basic operations for the set of complex numbers। अब इन्हीं basic operations में से कौन कौन सा operation इस set of complex number के लिए numbers के लिए binary operation बनेगा। Dear students, आपने previous classes में पढ़ा ही होगा कि if we have two complex numbers are generally denoted by z। We take here two complex numbers, that is z1, z2. If we have two complex numbers z1, z2, their sum is also complex। ये हमने पढ़ा। As the sum of two complex number is complex number, it is the definition of binary operation। If we have a set, if under the operation which we use in the given set के elements पे जब हम वो operation apply कर रहे हैं, अगर हम उस set के दो elements लेंगे और वो operation डाल देंगे बीच में, अगर उनका जो resultant हमारे पास उसी set का होगा, then that operation becomes binary operation। यहाँ पे हमने z1 एक element लिया set of complex numbers का, इसी तरह z2 भी ले लिया इसी का एलिमेंट। अब ऑपरेशन हम डाल रहे हैं प्लस इनका सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, देयरफॉर ये जो बेसिक ऑपरेशन एडिशन है इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ये इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन आ गया। इस तरह बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल एडिशन आ गया एज z1 प्लस z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सब्ट्रैक्शन, डियर स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर देयर डिफरेंस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आफ्टर टेकिंग द ऑपरेशन। जब हमने ऑपरेशन डाल दिया सब्ट्रैक्शन यहां पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, वहां से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया उनका सब्ट्रैक्शन ले लिया, वो भी सब्ट्रैक्शन को जो रिजल्टेड यहां पे हमारे पास होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो इसी सेट का एलिमेंट होगा, देयरफॉर ये सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन की बात जो है, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 मल्टीपल z2, एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर अगर हमने इसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए बीच में बेसिक ऑपरेशन डाल दिया उनका जो रिजल्टेड नंबर है दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन, ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन। अब डिवीजन की बात है, व्हाट हैपेंस विद डिवीजन, इफ वी टेक डिवीजन बेसिक ऑपरेशन जो है कॉम्प्लेक्स सेट की, व्हाट हैपेंस, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये हमें डिस्कस करना। इफ वी हैव टेकन टू कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 डिवीजन z2, जो रिजल्टेंट नंबर है
सी जेड। क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है? अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनका जो रिजल्टेंट नंबर आफ्टर गिविंग डिवीजन, डिवीजन करने से जो रिजल्टेंट मिलेगा क्या वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज इफ वी टेक जेड टू एज इक्वल टू जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से जेड वन डिवीजन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज जीरो प्लस जीरो एटर डियर, ये आप जानती है। ये जो यहां पे हमारे पास आ गए इट इज अनडिवाइडेड, देयरफॉर ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इट द डिवीजन बेसिक ऑपरेशन जो है इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहां पे डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है बिकॉज दिस वन पर्टिकुलर केस इज नॉट डिवाइडेड। जब ये डिवाइडेड ही नहीं है तो आप जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट कहां से आ गया, मीन्स डिवीजन चला गया। डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ये पॉसिबल है डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये सवाल है यहां पे। अगर ये बनेगा इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन बनेगा तो आप जाके किन कंडीशंस में ये बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है उसके लिए हम कंडीशन डाल देंगे। अगर हम इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें से हम जीरो प्लस जीरो आयोटा दैट इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर लें वो दैट इज इट इज सिंपली सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इज नोटेड बाय दिस। अगर हम लेंगे सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वहां पे अगर देख लेंगे ये डिवीजन के साथ क्या होगा, इफ वी टेक डिवीजन ऑफ एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स द रिजल्टेंट से जेड इट इज ऑलवेज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स ये भी आपने पढ़ा होगा, इफ वी हैव टू नॉन जीरो रियल नंबर्स देयर सम इज ऑल्सो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तब जाके यहां पे जो डिवीजन है इट इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर दिस सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिवीजन यहां पे बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन यहां पे जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन था। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या वो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इस वाले सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, क्योंकि वहां पे वो तो बाइनरी ऑपरेशन है एक्सेप्ट डिवीजन। अब यहां पे डिवीजन ही बाइनरी ऑपरेशन है, व्हाट हैपेंस विद द ऑपरेशन दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं इफ वी हैव जेड वन मल्टीपल जेड टू, जेड वन इज नॉन जीरो जेड टू इज नॉन जीरो, रिजल्टेंट इज ऑलवेज से जेड इट इज ऑलवेज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तब जाके जो प्रोडक्ट इनका होगा जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम ये इसी सेट का एलिमेंट होगा। देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन की बात है, व्हाट हैपेंस विद द एडिशन? डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सी एन एग्जांपल, इफ वी टेक जेड वन इज इक्वल टू सी टू प्लस थ्री आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। टेकिंग नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है। If we take here sum z1 plus z2, it is clearly 2 minus 2, it is 0, 3 minus 3, it is 0 iota. We get here 0 complex number. We have here two non-zero complex numbers, their sum is 0 complex number. This means, ये जो addition हमने ले लिया इस set के लिए, ये यहाँ पे binary operation नहीं है. Because when we take this sum of two elements of this set of non-zero complex number, resultant is not non-zero complex number.
इस तरह हमारे पास जो ये एडिशन है, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर दिस सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन इस सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है? देख लियो डियर स्टूडेंट्स, ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बिकॉज सी एन एग्जाम्पल, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन यहां पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम। इफ वी हैव हियर से 2 प्लस 3 आयोटा, सेम यही लेंगे जेड वन। जेड टू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी हम यही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। इट इज नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो मीन्स वेन वी टेक ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विद इटसेल्फ। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तभी ये बन सकता है जब आप इस सेट के दो एलिमेंट्स, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई से भी दो एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, आप रिपीट भी कर सकते हैं, 100 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तब जाके इसी में आना चाहिए, तभी जाके वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन बने। यहां पे हमारे पास जेड वन हमने ले लिया, अगर हम ये जेड वन का सब्ट्रैक्शन विद इटसेल्फ कर लेंगे, व्हाट हैपेंस, वी गेट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। बट जेड वन इज इटसेल्फ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर दिस जो सब्ट्रैक्शन हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ले रहे हैं, दिस मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना, इफ वी हैव ए सेट इन जनरल, अगर हमारे पास सेट कोई होगा एस, बाइनरी ऑपरेशन कब से एडिशन हम लेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा, इफ वी टेक टू एलिमेंट्स ऑफ दिस, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रिपीट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स से। अगर इसका एलिमेंट ए ले रहे हैं, इसका सम अगर इटसेल्फ देख लेंगे ए, ये भी उसी में आना चाहिए। यहां पे रिजल्टेंट हमारे पास 2a आ गया, 2a इज एलिमेंट ऑफ दिस, आप 2a को a के साथ ऐड कर सकते हैं, वो भी इसी में आना चाहिए, आप कितनी भी बार रिपीट कर लो, लेकिन अंडर दैट ऑपरेशन रिजल्टेंट मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, देन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन बिकम्स द बाइनरी ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया है यहां पे कौन कौन सा बेसिक ऑपरेशन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होता है, उनमें से व्हाट आर द बाइनरी ऑपरेशन आउट ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस, वो हमने यहां पे डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बेसिक ऑपरेशंस के, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो इख्तिताम पे कर लें, डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियोस अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।